हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था विजय केडिया सर ने यहाँ पर क्या खरीदे, अतुल ऑटो के यहाँ पर शेयर खरीदे हैं। और अगर मैं अतुल ऑटो की आज की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये शेयर 244 पे ओपन होता हुआ नजर आया था, लगभग 8 से 9% का यहाँ पर जम्प था। ओके, और ये शेयर आगे चल के और बेहतरीन रिटर्न देने वाला है। जब मैंने यहाँ पर बताया ना कि आप ये पैसे कितने होते हुए दिखाई देंगे, 3 टाइम्स, तो ये पैसे 3 टाइम्स होते हुए दिखाई देंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि इस तरीके से मैंने ये स्टॉक्स बताया तो भागा। इससे पहले मैंने आपको एक और स्टॉक्स बताया था, ओके, यहाँ पर उसे भी देख लीजिए, डेली भाग रहा है, डेली भाग रहा है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, जब से बताया ना तब से 30% से ज्यादा के रिटर्न दे चुका है, डेली भाग रहा है ये शेयर भी। ओके, और ऐसे कितने सारे स्टॉक्स हैं जो मैं आपको बताता रहता हूँ और डेली वाइज भागते हैं। तो इस स्टॉक सिलेक्शन देखिए, लोग कहते हैं कि ब्रेकआउट होगा तो बताएंगे, ब्रेकडाउन होगा तो बताएंगे। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से अलावा भी और बहुत सारी चीजें होती है जो आपको देखनी है, जहां पर अगर इन चीजों को आपने देख लिया, ओके, तो 100 से लेके 300% तक के रिटर्न 1 से 2 साल के अंदर अंदर कमाते हुए नजर आओगे। कभी ना तो ऊपर के लेवल पे फंसोगे, ना कभी यहाँ पर आप बेफालतू में ऊपर के लेवल पे लेके यहाँ पर अपने शेयर फिर नीचे के लेवल पे बेचते हुए नजर आओगे। सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम पे एग्जिट, वो सब चीज मैं आपको बताता हुआ नजर आऊंगा। बट उसके लिए आपको क्या करना है, एक हमारी क्लास शुरू हो गई है, ऑलरेडी बच्चे यहाँ पर एनरोल हो रहे हैं, पर्सनल मोस्टली लोग यहाँ पर 1-to-1 क्लासेस के लिए जा रहे हैं, मोस्टली अभी यही चल रहा है बैच। तो यहाँ पर रिसर्च एनालिसिस एंड ऑपरेटर्स, ओके, किस तरीके से ऑपरेटर्स का गेम होता है और रिसर्च एनालिसिस किस तरीके से की जाती है वो, टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से होती है वो, तो ये दोनों जब ये रिसर्च और टेक्निकल मिल जाते हैं ना तो यहाँ पर पैसे बनते हुए नजर आते हैं। याद रखिए, रिसर्च और टेक्निकल मिल गए तो यहाँ पर पैसे बनते हुए नजर आते हैं। और यही मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि क्या इस स्टॉक्स में होता हुआ दिखाई दिया। हर एक स्टॉक्स में 4 पड़ाव होते हैं, ओके, वो 4 पड़ाव जैसे ही यहाँ पर शुरू होते हैं, ओके, उस दर पैसा बनता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर जो दूसरा पड़ाव होता है ना उसमें पैसा बनता है, तीसरे, चौथे और पहले पड़ाव पे हमें कभी पैसा नहीं बनता। और वो दूसरा पड़ाव तय चूज कैसे करना है वो बातें करेंगे हम यहाँ पर रिसर्च एनालिसिस में, जो हम बातें करेंगे किस तरीके से स्टॉक्स को चुना, चुनते ही साथ उस स्टॉक में हमने एंट्री ली सही टाइम पे और एकदम बेहतरीन रिटर्न मिलने पर सही टाइम पे हमने एग्जिट भी कर दिया और प्रॉफिट बुक कर लिया। तो वो मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ दिखाऊं दूंगा। तो यहाँ पर नीचे नंबर है 8860540501, 8169261037, व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए कभी भी, आप लोग फ्री हो कभी भी कॉल करने के लिए। बाकी IIFL के साथ हमारे साथ अकाउंट ओपन कर लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 15 शेयर की लिस्ट प्रोवाइड करूंगा जहां पर अच्छे खासे पैसे लॉन्ग टर्म में बनते हुए नजर आएंगे। आज हम बात करने वाले हैं एंजल वन से रिलेटेड, क्या है एंजल वन, ओके, और क्यों मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड अब बातें करने वाला हूँ। तो देखिए, एंजल वन एक बेहतरीन ब्रोकिंग फर्म है, ओके, हम सबको पता है, मोस्टली लोगों के यहाँ पर अकाउंट्स भी होंगे एंजल वन के साथ, जिसे हम एंजल ब्रोकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो क्या करता हुआ दिखाई देता है, ब्रोकिंग सर्विसेज देता हुआ दिखाई देता है। और जैसे कि यहाँ पर जिस तरीके से अकाउंट ओपनिंग चालू है और अकाउंट ओपनिंग के साथ साथ, ओके, लोग यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो ये जो स्टॉक्स है इनमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता हुआ नजर आ रहा है, फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी का रीजन है कि ये शेयर आज लगभग 6% भागता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये नीचे था आज के दिन में तभी पता चल गई थी ये शेयर भागेगा। और कल मैं इसके रिलेटेड वीडियो बनाने वाला था बट नहीं बना पाया बिकॉज आई वॉज बिजी, ओके, तो यहाँ पर वीडियो नहीं आ पाई। बट आज बना रहा हूँ क्योंकि आज भी एक बेहतरीन दिन है, ये शेयर की अभी तेजी शुरू हुई है। मार्केट कैपिटल 13,421 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, पीई रेशो 20 का है, इंडस्ट्री का पीई 27 का है, तो पीई का हमें कोई मतलब नहीं रहता, पीई देखने की कोई जरूरत नहीं है। आरओसी आरओई की बात करें 35-46% के आसपास की है, काफी बेहतरीन है। इसके अलावा प्राइस टू अर्निंग रेशो भी आप देख सकते हैं लगभग कितना है, प्राइस टू अर्निंग 19.6। तो कंपनी हर तरीके से यहाँ पर नजर अच्छी आती है। और 2000 का हाई लगाने के बाद ये शेयर कितने पे आया था, 2000 का हाई लगाने के बाद ये शेयर 1000 रुपए, सॉरी एक मिनट, एंजल वन यहाँ पर देखिए, तो ये 2000 रुपए का हाई लगाने का ये शेयर 1000 रुपए तक आ गया था, 50% की गिरावट इसने दिखा दी थी। बट मार्केट में गिरावट थी, इसलिए गिरावट थी, अदरवाइज ये शेयर यहाँ पर रुकने नहीं वाला था, मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला था। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए, प्रमोटर्स यहाँ पर 43% की होल्डिंग यहाँ पर रखती है, बट यहाँ पर FIs ने लगातार हिस्सेदारी बढ़ाई है।
DIs की हिस्सेदारी थोड़ी सी कम होती नजर आई है, बट फिर भी अच्छी खासी है। और पब्लिक की हिस्सेदारी है 36% की, 36 में भी देखेंगे तो लगभग 17-18% की हिस्सेदारी बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर ले रखी है। अब क्या होगा, अब ऐसा होता हुआ नजर आएगा, शेयर अभी भागेगा, जबरदस्त भागेगा, बट भागने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर लोगों को फंसाएगा। ओके, लोग यहाँ क्या यहाँ पर खरीदेंगे, और यहाँ पर खरीदने पर वो ट्रैप हो जाएंगे, और जब ट्रैप हो जाएंगे फिर उन्हें याद आएगी कि हम ट्रैप हो गए, स्टॉक मार्केट बुरा है। स्टॉक मार्केट बुरा नहीं है, ये जब तक ये चीजें नहीं आएगी ना, ये रिसर्च और फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल, तब तक ये तीनों चीजों का संगम नहीं होगा, ओके, तब तक यहाँ पर ये शेयर मार्केट इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर ये चीजें ही सिखाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, इसलिए ही हम जब स्टॉक्स बताते हैं वही स्टॉक्स भागना शुरू कर देता है। तो एंजल वन की तरफ आप क्या करना है, आपको ध्यान देना है, काफी अच्छे यहाँ पर है, और प्लस में इसकी जो इस तरीके की एस्टिमेट आ रहा है कि इन्होंने जिस तरीके से अकाउंट ओपनिंग करी है, जिस तरीके से यहाँ पर इनकी बाय ऑन बाय और क्यू ऑन क्यू, ओके, यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जिस तरीके से अर्निंग हो रही है, वो अर्निंग यहाँ पर बेहतरीन तरीके से 30-80% यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी रिस्पेक्टिवली। तो इसकी तरफ आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब एंजल ब्रोकिंग की अगर हम बात करें, एंजल ब्रोकिंग यहाँ पर क्या बना रहा था, यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा था, और यहाँ पर इसने उसका दे दिया है ब्रेकआउट, मतलब बस एक, और ये जो ये इसका रेजिस्टेंस है ना, ये यहाँ पर ये रेजिस्टेंस इसके लिए अटका हुआ है। अब क्या हो सकता है, यहाँ से कल के दिन में थोड़ी सी एक आध दिन की गिरावट आ सकती है, और गिरावट के साथ शेयर भागेगा। क्यों भागेगा ये शेयर, और एक आध दिन थोड़ा सा कंसोलिडेट क्यों करेगा, उससे रिलेटेड भी हम बातें करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बीएससी, मैंने यहाँ पर बीएससी निकाला है, ओके, रिजल्ट कैलेंडर है, और यहाँ पर 13 तारीख में आई है, 13 तारीख में यहाँ पर देखिए एंजल वन, एंजल वन के 13 तारीख को है रिजल्ट, ओके, और एंजल वन में अगर हम आज देखें, आज हमारी तारीख हो गई है 10, 13 तारीख मतलब थर्सडे, थर्सडे को ये शेयर के रिजल्ट आ जाएंगे, और 14 तारीख को ये शेयर दोबारा भागना शुरू शुरू करेगा। और जिस तरीके से जब ये भागेगा तो याद रखिए क्या होगा, सबसे पहले हमारे जो टारगेट है वो टारगेट कितने आते हुए नजर आएंगे, सबसे पहले टारगेट हमारे ये आते हुए दिखाई देंगे, ओके, और चीजें यहाँ पर टच होने के बाद रुकेगी नहीं, थोड़ी सी नीचे आएगी, और फिर उसके बाद एक दूसरी रैली शुरू होती हुई नजर आएगी जो इसे बहुत ऊपर तक लेके जाएगी। तो एंजल ब्रोकिंग की तरफ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो जो स्टेज की मैं बात कर रहा था वो स्टेज भी मैं आपको समझा देता हूँ, ये होती है पहली स्टेज, दूसरी स्टेज ये होती है, ओके, तीसरी स्टेज इस ये होती है, और चौथी स्टेज ये होती है, ओके, और इसमें ये ही पहली स्टेज ये अब हो गई है, दूसरी स्टेज दोबारा होगा, तीसरी स्टेज फिर ये होगा, चौथी स्टेज ये होगा। तो इस तरीके से चीजें चलती है, इसे सीखने के लिए आपको कांटेक्ट करना है, ओके, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियोस आते रहेंगे, हमेशा आए हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन्वेस्ट फॉरएवर को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा 10,000 के सब्सक्राइबर्स का हमारा टारगेट है नेक्स्ट मंथ तक, ओके, वीडियोस को जाके देखिए, लर्निंग लीजिए, यहाँ पर भी सीखिए, प्लस में पर्सनल क्लासेस में एक बार सीखिए, फिर किसी भी दुनिया के दूसरे शख्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी आपके साथ वादा है। एज वेल एज कम्प्लीट कोर्स, 3 मंथ्स की प्रैक्टिकल लर्निंग साथ में, स्ट्रेटेजी यूज, स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट्स, सब चीज यहाँ पर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।